है, मुझे तो नाम ही बड़ा कोई लग रहा है। तो लीजा सोलो भाई तो डोमिनेट कर रहा था अपना। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई मैं करने वाला है टॉप 10 मोस्ट व्यूड केपॉप म्यूजिक वीडियोस ईच ईयर 2010 टू 2023। मतलब लेटेस्ट है कंपाइलेशन। ओके ये चैनल ई टॉप म्यूजिक से एंड हम मतलब मैं मुझे सारा के पॉप का फिर पता ही है, आपको पता ही है। मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 3-4 साल हो गए हैं ये, काफ़ी पता है बस। ठीक है तो मैं गैस करने वाला हूँ कौन सी वीडियो टॉप होएगी, साथ साथ ऑफ कोर्स आपकी तरह। चलो अभी देखते हैं अभी कौन सी वीडियो ज़्यादा है, मतलब हम और म्यूजिक का भी पता लगा सकेंगे इसमें एंड जो हमारा जो पुराना है वो भी पता लग जाएगा एंड मतलब वैलिडेशन एक हिसाब की हो जाएगी भी। हाँ अच्छा हाँ ये हमने देखी हुई है, समझ रहे हो। चलो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये इंटर मुझे डेफिनेटली इनकी याद है। In this video, I am going to show you the 10 most viewed K-pop music videos in each year, starting from 2010 to 2023. So got far, it. The video include combined views to duplicate MVs, and the number of views are the current ones collected. On February 17th of 2023. Enjoy the video. PS5 basically. Oh, देखा जैसे like unexpected चीजें होंगी. टू एनी वन लाइक मुझे नहीं पता था अभी तब इतना मतलब इन्होंने गा डाला था एंड डेफिनेटली टू एनी वन का हमें पता था। सीएल है मेरी फेवरेट। ओके टाई यांग ये हमें भी पता है, बिग बैंग का बिल्ली शाइनी। ओ ये ग्रुप इतना पुराना है, मतलब ऑब्वियसली बट स्टिल इनका नहीं मुझे पता। ओके सुपर जूनियर सुपरने का हमने अभी तक नाम नहीं सुना, आई एम वेरी बट तब के भी मैंने ओके तब ऐसा था। शाइनी बैक अगेन। हाँ क्या फोन आ रहा है नहीं गर्ल्स जनरेशन ये ग्रुप अभी अभी सॉरी बट हमने कभी नाम नहीं सुना एंड सुपर जूनियर का भी नहीं। मुझे सिर्फ टू एनी वन एंड शाइनी का पता है जो अभी भी है, काफी टाइम हो गया ना इनको। बिग बैंग मतलब ऑब्वियसली ये जो लेजेंड थे सिस्टर 19 इनका नाम सिस्टर लाइक बीस का नाम हमने सुना है थोड़ा सा। ओके ओ तेरी पड़ी थोड़ा म्यूजिक वीडियो तब के टाइम ओ तेरी नू तब और तेरी नू तब थोड़ा ह्यूना हो ह्यूना का तो हमें पता है ये इतनी पुरानी है। चलो या मे बी ये कोई और ह्यूना हो आई डोंट नो बट एंड म्यूजिक वीडियो तब के टाइम के थोड़ी सी डिफरेंट थी, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट अभी की थोड़ी सी मतलब चिल्ड्रन को टारगेट करती है पहले वाली की, मतलब पहले वाली सिर्फ एडल्ट्स क्या पता। ये तो गाना मुझे पता है एंड ये फर्स्ट वे है, ये हमने चेकआउट किया था, ये मुझे गाना अच्छा लगता है। ओके तो मुझे सॉन्ग नो आइडिया ह्यूना इज बैक। मुझे ह्यूना डेफिनेटली पसंद है। देखो जो अभी तक ग्रुप मैंने नहीं सुने, मतलब क्या पता आपने सुने बट वो आज की डेट में मतलब उनका नाम चलता नहीं है लाइक वाला ना भी कहीं किसी से सुना नहीं, तो मैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ लाइक कहीं ना कहीं सुना हो मैं उस नेम पे भी कह रहा हूँ। अभी इनके नेम मैंने कहीं नहीं सुने किसी के पॉप फैंस के मुंह से या ट्विटर पे किधर नहीं सुने, तो आई एम सॉरी लाइक सिस्टर मुझे तो नाम ही बड़ा कोई लग रहा है इनका बट आई गेस ये
पहली सिबलिंग जोन कर दिया इन्होंने तो, इसलिए आई बिलीव बंदा क्या करेगा फिर एक दूसरे सिस्टर की वीडियो जैकेट की हाँ ये कितना जी लग रहा है ना इमेजिन सिस्टर की सिस्टर की वीडियो चेकआउट की तुमने क्या मतलब ग्रुप सिस्टर 19 हो काफी कंफ्यूजन में आई बिलीव ये गाना वो वाला बैड बॉय वाला सुनाऊंगा तो शायद बिग बैंग ने गॉड डाला हुआ है ओके ह्यूना ने डेफिनेटली उसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया डी के साई के साथ पहला तो मुझे अच्छा 2012 का था हाँ ये मोस्ट व्यूड म्यूजिक वीडियो मतलब ऑल टाइम थी काफी टाइम फिर डेस्पोसिटो आ गया फिर उसने मतलब देख रहे हो मतलब व्यूज ग्रेजुअली ऊपर ऊपर जा रहे हैं मतलब पहले टॉप इतने होते थे ऑब्वियसली इंटरनेट पहले कम था डेब्यूट किया एंड सेवंथ पे स्टिल अभी मेरे हिसाब से नो मोर ड्रीम और ज्यादा हाई होएगा ओके तो अभी वीडियोस काफी दो वीडियोस आ चुकी हैं अभी तक Let me put it down another way. Okay. ये तो गाना डेफिनेटली डिजर्विंग था ज्यादा मतलब मेरा फेवरेट है बीएस ने तीन सॉन्ग दिए थाई तो डोमिनेट कर रहा था तब ना मतलब बिलियंस में व्यूज सब एंड ऑब्वियसली गंगनम स्टाइल की वजह से भी आयु भी काफी तगड़ी प्लेयर रह चुकी है गेम में ये थोड़े से ओके ओवरडोज भी काफी अच्छा सॉन्ग है एंड चलो जो ये अभी सॉन्ग आया था ये काफी सॉफ्ट मतलब उन सॉन्ग्स को इतने व्यूज यूजली कम मिले थे मतलब देन जो मतलब थोड़े से हाइप वाले होते मतलब वो ऑब्वियसली डांस वगैरह में भी प्ले होते हैं तो ओके चेंजर अभी साई के व्यूज गिरते जा रहे हैं कि नहीं बॉय इन लव ज्यादा चला बट हाँ मतलब अभी भी बॉय इन लव का काफी क्रेज है तो अभी बीटीएस का भी डोमिनेट कर रही है व्यूज में देख जैसे कि पता है ये तो डिजर्विंग है ही है इनका सुना है नाम तो अभी आई बिलीव मोस्टली एक्सो एंड बीटीएस डेफिनेटली डोमिनेटेड बहुत काम है एडवाइस ये कितने बार आया मेरा फेवरेट है ये मैंने सुना था टॉप वन में ऑब्वियसली टॉप वन मतलब फर्स्ट प्लेस अभी मैं काफी हैप्पी हूँ इस लिस्ट से मतलब जो 15 वाली लाइक सारे गाने पता है हमें एंड डेफिनेटली जितना हमने कहीं कहीं सुने हैं ज्यादातर अभी भी वही चल रहे हैं ठीक है ये मुझे गाना बड़ा पसंद है ये भी ये नहीं सुना
डेफिनेटली हमने सुना है, ये भी सुना है, सारे सुने हैं ऑफ कोर्स। ब्लैकपिंक 2016 में आया एंड मतलब लॉन्च किया कि नहीं पता मुझे, ओके ये गाना तो ओके फायर के ज्यादा थे। बुम्बाया ओके बुम्बाया ने बुम्बाया कर दी थी ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप भी जैसा कि दिख रहा है हमें वो ट्वाइस ब्लैकपिंक सीरियस एक्सो टॉप फोर, सिर्फ यही डोमिनेट कर रहे हैं मोस्टली, एक आधा ग्रुप आ जाता बीच में बट यही है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग, मैंने सुना नहीं है। ओ हाँ सुना 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 ऑफ कोर्स, ये सुने सुने ये मेरा जो फर्स्ट फेवरेट सॉन्ग है माय गॉड। हाँ डीएन ने काफी मतलब इनका काफी टाइम तक ये इनका मूड था बट मुझे माइक ड्रॉप ज्यादा पसंद है, वो पर्सनल ओपिनियन डेफिनेटली। मुझे ट्यूनिंग बड़ी अच्छी लगती है एंड वर्सेस काफी सैवी थी। ऑफ कोर्स ये रिलीज के टाइम पे इतना नहीं, ये रिसेंटली ज्यादा पॉपुलर हुआ लाइक है ना 2018 में, मुझे नहीं लगता इतना होगा बट जितना लाइक रील्स और टिकटॉक्स की वजह से बाद में इतना पॉपुलर हुआ 2021 2022 में काफी। मैंने दोबारा बोल रखा हूँ मोमोलैंड, ओके न्यू कॉम्पेटिटर हैज एंटर्ड द चैट आइकॉन, ये तो पहले भी थे बट ओके जेनी अकेली नहीं जेनी ऑफ कोर्स आइडल के, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है फीमेल काफी डोमिनेट कर रही है मतलब टॉप वन में, मतलब लड़कियां हैं ऑफ कोर्स मतलब समझ सकते हैं आप भी। आईसी मुझे काफी सॉन्ग पसंद है, ये नहीं मुझे पता, ये पता नहीं क्या मोमोलैंड ने बनाया अभी बनाना चाचे क्या। नाम पता है बट ये गाना नहीं पता मुझे। ओ सोलो जे हो ऑफ कोर्स ये गाना काफी पॉपुलर है, जो गाना कैची होता है और उसका मतलब डेफिनेटली ज्यादा व्यूज डेफिनेटली मतलब मायने हैं, मतलब व्यू आ जाते हैं ठीक मायने के व्यू आ जाते हैं, वो काफी अच्छी थी। ओके इसका रीमिक्स भी इमेजिन, इसका रीमिक्स टॉपर ब्लैकपिंक अगेन। हाँ हाँ क्योंकि ब्लैकपिंक लाइक अमेरिका में ज्यादा पॉपुलर हो गया था राइट है ना, एंड सिंप तो हमारे डेफिनेटली मैंने भी जो फर्स्ट लाइक के पॉप कुछ ज्यादा जो ब्लैकपिंक की वजह से मेरा फर्स्ट युगा का सॉन्ग जो मैंने सुना था, इसकी हुक इतनी कैसी नहीं थी बट वैसे सॉन्ग अच्छा था, हुक लाइक मतलब समझ रहे थोड़ा ऐसे ऐसे वाली। अच्छा फिर इसकी हुक तो बहुत ज्यादा है लाइक ऑन माय पिलो ऑन माय टेबल,
Catch a vibe in the Peters. सारे फैमिलियर सॉन्ग 2020 के, ऑफ कोर्स मैंने सारा कुछ देखा हुआ है इसमें। इस गाना मुझे इसीलिए पसंद था क्योंकि इसकी बीट एंड जो बेस बहुत अच्छी थी, सिर्फ इसीलिए। लाइक लिरिक्स वाइज ठीक था, हाँ वर्सेस बीच में लीजा का काफी अच्छा था, बट सिर्फ मुझे बीट बहुत कार में चला वो काफी अच्छा लगता था। और ये तो मेरा फेवरेट है, इसमें ए टू जेड हर एक चीज है। डायनामाइट ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा चला है, ठीक है, बहुत ज्यादा डायनामाइट, हर एक जगह डायनामाइट। न्यू ग्रुप्स आ गए अभी एस्पा, बट ट्वाइस देखो कब का है, ट्वाइस अभी तक आई बिलीव लॉन्गेस्ट चल रहा होगा, है ना। मैं इतना ट्वाइस फैन की जैसे क्यों लग रहा, बट काफी टाइम ये तो वीडियो भाई बहुत अच्छी थी। ओह ये मैंने सुना नहीं, वाइस किलिंग द गेम कितने साल से एंड अभी तक, मतलब देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। ये गाना हिट और मिस था मेरे लिए, पहले मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, फिर मुझे पसंद आ गया, फिर मिक्स रिएक्शन था इस पे, ठीक है। मतलब पता नहीं इनिशियली मुझे सुन के क्या लगा था, बट कुछ टाइम बाद मुझे ज्यादा पसंद आ गया था। हाँ मैंने बोला था भी मुझे बटर वगैरह ज्यादा पसंद है, बट फिर मुझे ये बड़ा पसंद आया क्योंकि हर एक जगह रील पे देखा था मैंने, फिर वो ग्रो हो जाता है ना। ऑफ कोर्स दो लीजा सोलो ने ये तो वीडियो ओके बटन, हाँ क्योंकि हाँ ये बटन में भी काफी ठीक है। पता है नहीं उनका पता आई जी, ये न्यू ग्रुप 2022 में काफी आगे हैं, है ना। जी आइडल तो पता है, बाकी भी शायद पुराने हैं, मतलब मुझे पता नहीं था। ये तो वन ऑफ द सैड सॉन्ग, एंड उसके बाद तो 5 साल का वेट। अभी ब्लैक पिंक की होगी, ओह नहीं ओ शुगर एंड साई जब कंबाइन हो जाए तो बस फिर तो ब्लैक 2023 का तो अभी एंड में देखेंगे, अच्छा अभी तक का, बट 2020 अभी तक जब सारे देखो सारों में ब्लैक पिंक डोमिनेट कर रहा था, मोस्टली ब्लैक पिंक एंड BTS भी था कुछ में, बट ब्लैक पिंक काफी लाइक उनने तो हाँ मतलब वर्ल्ड वाइड हिट किया ना। एंड MCT का कोई पंगा सा पड़ा था अभी रिसेंटली, ये सारे न्यू है अभी तक, वैसे वो जो लेजेंडरी ग्रुप जो ऑर्डर ही कर सकते हैं ये तो। ये बंदा फिर आ गया ना जो तब का था लेजेंड, EXT भी है ना बिग हिट का है, बिग हिट हाइप लेवल नहीं मैं बोलूंगा उसको कभी, ना ना बिग हिट ओनली। ओके सो गाइस दैट वाज फॉर टुडेज वीडियो, हमें काफी कुछ न्यू इन्फॉर्मेटिव पता चला भी पहले ग्रुप कौन थे, एंड डेफिनेटली फीमेल ग्रुप्स काफी डोमिनेट करते आ रहे हैं, ट्वाइस काफी लॉन्ग रन में है लाइक कब से एंड अभी तक काफी अभी भी टॉप फ्यू में है ना, मतलब टॉप 10 में ही है तो सारे अच्छे हैं। एंड
जब ब्लैक पिंक आया एंड ब्लैक पिंक ने सारे मतलब सीधा टॉप पे एम किया, एंड पीडीएस ने भी काफी थर्ड पे, जो फर्स्ट एफएमवी आई थी वो भी थी, एंड काफी सिक। एंड वो जो सॉरी मेरा था से मूड ऑफ हो गया, ठीक है, जब से वो येट टू कम वाली वीडियो देख ली, सैड सॉन्ग इन द सेंस लाइक उसकी वीडियो एंड उसके बाद जो हुआ है स्टफ, है ना, वो काफी लगता है, ठीक है, बट चलो इट्स ओके, न्यू आएंगी मतलब बस दो कुछ रह गए और ठीक है, तो कोई चक्कर नहीं। चलो सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब, आई सी इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।